लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो हरियाणा की महिलाएं हैं वो नए संसद भवन के लिए रवाना हो रही हैं। किस तरीके से यहां पर उत्साह मनाया जा रहा है, देखिए बंचारी के जो ढोल नगा रहे हैं उस पर जो महिलाएं हैं नाच गाना कर रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि हम ये कहेंगे। महिलाओं को 33% जो आरक्षण है उसको लेकर जो बिल पास हुआ है और आज राज्यसभा में ये बिल पेश होगा, काफ़ी ज़्यादा उत्साह आप देख सकते हैं कि महिलाओं में देखने को मिल रहा है। महिला जो हैं वो नाच गाना कर रही हैं, थिरक रही हैं, आप देखिए तस्वीरें। मैम, आप लोग आज सेशन देखने जा रहे हैं, आप लोग जो आरक्षण है वो पास हो चुका है, बिल्कुल पास हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने लेडीज़ की तरह बहुत अच्छे कार्य करे हैं और कर रहे हैं, और हम आगे चाहते हैं आगे जी भी मोदी जी ही आए। सबको मोदी जी का बहुत सहयोग करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए ताकि देश हमारा ऐसी प्रगति पे आगे बढ़ता रहे। सबको सही कहा है, मोदी है तो सबको मुमकिन है। महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि बंचारी के ढोल नगाड़ों के आगे जो महिलाएं हैं वो नाच गाना कर रही हैं, उत्सव मना रही हैं और जश्न। ये जश्न इसलिए है क्योंकि महिलाओं को जिस तरीके से 33% का जो आरक्षण है वो मिला है, लोकसभा में 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास हुआ है, आज राज्यसभा में ये बिल पेश केंद्रीय कानून मंत्री करेंगे। पर महिलाओं में, पूरे देश की महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और महिलाएं पीएम मोदी का धन्यवाद कर रही हैं। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।